टू मैं शादी आप ही सही करूंगा। आज तो मुलाकात है मेरी ये इधर मेरे भाई के साथ क्या कर रही है और मेरा भाई इधर क्या कर रहा है? घर जाके ना ये मम्मी को दिखाती हूँ। टेंशन ना लो मेरे। चार दिन आदि शादी है रब्बा लंबी सफाई लंबी सफाई। मम्मी मैंने आपसे एक बात करनी है, आपका बेटा मेरी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा था और वो भी मेरी दोस्त के साथ? और नहीं नहीं तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, वो वहां तेरी यूनिवर्सिटी लेने क्या चला गया? मेरे पास पिक्चर है, रुके मैं आपको दिखाती हूँ। रहने दे, मुझे नहीं देखनी कोई तस्वीर, पता है मुझे अपने बेटे का। मर्जी है, जब औलाद बिगड़ जाएगी फिर ना कहना, गया भी होगा तो किसी काम से गया होगा, बता देगा मुझे। ओके नहीं तो ना सही, छोटा सा है अभी, उसने कहा कोई फंसा लेनी है, मैनू तो जज पता नहीं है, दोस्तों नाल वैसे ही घूमन फिरन गया होगा। भैन भरावां दे विच लड़ाइयां चलदियां रहिंदियां ने, मैं वेखी जरा सारी सब्जियां ने खराब दित्ती है मैनू, टमाटर भी पेल पेल करन डए ने, कल आ ले सब्जी वाला अंजी टंगा मैं भाननी आ बदतमीज दियां, रेट पूरे पूरे लैंदा। रात के बजे ते 11 मैं समझा नहीं इशारा, रोमांटिक शब्दों में उसने बोल ही डाला। ओ आजकल तो मैं बड़ा ज्यादा नट्टी हो गया हूँ, जिसको कोई पूछता नहीं था आज वो भी किसी का बॉयफ्रेंड है। परफ्यूम लगा लेता हूँ यार मिलने से पहले, मिल नहीं रहा यार, कहाँ चला गया? बाहर की अलमारी में देखता हूँ। ले तो आजकल ये गाना बड़ा वायरल जा रहा है, बचपन का प्यार, छोटे से बच्चे ने ही गाया है और वायरल चला गया। किस्मत किस्मत की बात है, फर्श से अर्श तक का सफर। मम्मी पापा का ओरिजिनल पोलो का परफ्यूम कहाँ गया? दराज में पड़ा हुआ है, तू परफ्यूम का क्यों पूछ रहा है? और जरा मुझे एक बात तो बता, ये फातिमा ने मुझे कहा है कि तू उसकी यूनिवर्सिटी में गया हुआ था उस लड़की के साथ, पता नहीं कोई उसकी थी जानने वाली, तू उधर क्या कर रहा था? झूठ बोल रही है वो। मम्मी वो लड़की तो मेरे दोस्त की बहन की दोस्त थी, तो मैं तो उसको सिर्फ खाली नोट्स देने गया था। मैंने तेरा ऐसा वैसा कोई चक्कर पकड़ लिया ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी ये चीजें। अच्छा मैंने तुझे एक बात बतानी थी, मैं जा रही हूँ जरा तेरी खाला की तरफ, तेरे पापा गए हैं दुकान पे, तो फातिमा यूनिवर्सिटी में है ठीक है, तो पीछे घर का ख्याल रखी, चाबियां दे के जा रही हूँ ठीक है? अच्छा बच्चा मम्मा का। ओके और तुमसे मिलने का कीड़ा अंदर है, डेटिंग कर ले तू, ओपन कैलेंडर है। ओ मजा आ गया यार, आज तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कमरे में लेकर आऊंगा। जल्दी से सारी सफाई कर लेता हूँ, ये सब तो साफ है यार, जल्दी से अपनी बेडशीट इस्त्री कर लेता हूँ, इसी बेड पे लेकर आऊंगा उसको, खेलूंगा उसके साथ। हरामी हो बेटा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार। तो घर पे दिल ही नहीं लगता जब से मेरा दिल कहीं और लग गया है। मेरा भी मुक्का। अच्छा भी पूछ लेता हूँ कि मेरे घर चलोगी? अच्छा मैंने ना एक बात कहनी है। बोलो। मेरे घर पे मिले? क्या मतलब? घर पे फातिमा भी नहीं है, मेरी मम्मी जो है खाला के घर गई हुई है और मेरे बाबा तो काम पे गए हुए हैं। ओए होए शर्मा गई काम। ठीक है वैसे भी मेरा कोई लेक्चर नहीं है तो मिलते हैं। ऐसा कोई मकसद नहीं है मेरा घर लेके जाने का, सिर्फ मैं तुम्हें अपना घर दिखाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा वैसे घर पे बात की है हमारे रिश्ते की? अभी हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। चलो टाइम जाया किए बगैर चलते हैं घर। कब से हूँ रेडी? ठीक है मैं टैक्सी बुक कर देता हूँ, बस 5 मिनट में आ रही है वो,
सामान पकड़ो, ये मैं पकड़ लेता हूँ, टेंशन नहीं है, अब से तुम मेरी ही जिम्मेदारी हो। लुका तो छुपा के रखी राज ही बना के रखी सोने आवे तेरा मेरा प्यार यार आवे दिल। यार रेंट तो काफी ज्यादा बन गया, इतने पैसे तो मैं घर से लेकर ही नहीं आया। चलाकी खेलता हूँ। बेबी आपके पास पैसे हैं? मैं ना अपने पैसे घर भूल आया हूँ। हरामी हो। हाँ है, ले लो मुझसे बैंक। ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? Oh, no. मुझे भी आ रही है, पता नहीं ये कहाँ से इतनी गंदी स्मेल आ रही है, बहुत गंदी है। काफी अच्छा घर है। थैंक यू। यार मुझे डर लग रहा है कोई आ ना जाए। नहीं नहीं कोई भी नहीं आएगा, इजी होके बैठो। तुम्हें पता है मेरे घर में बहुत मसला हो जाएगा। बैठो बैठो कोई नहीं आएगा। खाने पीने को कुछ लेकर आऊं? नो नो इट्स ओके ओके। टीवी लगा लो। ये क्या लगा दिया तुमने, शर्म करो। ओए होए शर्म आ गई का। आ जाएगा कोई नहीं आएगा, मेरी मम्मी गई हुई है। आओ मैं अपना रूम दिखाता हूँ। चलो काफी अच्छा रूम है। क्या कर रहे हो, कुछ देख लेगा। आज तो मेरा दम मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। मैंने कभी इस तरह पहले किसी के साथ नहीं किया, तुम मेरे पहले और आखिरी बॉयफ्रेंड हो। स्टार्ट स्टार्ट में सारी गर्लफ्रेंड्स ऐसे ही कहती हैं। क्या मतलब, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। मुझे पानी मिलेगा। हाय अल्लाह, मैं चाबियां रख के कहां पे भूल गई हूँ, चाबियां ही नहीं मिल रही हैं। एक तो कोई बात नहीं बेटा, चिल करो, अभी आपकी एज है। ऐसा तो सिर्फ फिल्म्स में होता है, आए आपको दिखाते हैं रियलिटी। हाय अल्लाह, मैं चाबियां रख के कितने भूल गई हूँ, तो चाबियां ही नहीं मिलन रही। एक ही बात तुम्हें हो रही है। हाय मैं मत जावा, अल्लाह माफ करे। ए की कर रही है तू, किसे दी कुड़ी नु घर से बाड़े आया तू? आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है। ए मुंडे पागल ने सारे गल्ला वड्डी। मेरी गैर मौजूदगी जे ए हरकत कर रही है तू? मम्मी मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं ए की बात हुई, ये मुझे धमका के फिसला के लेकर आई है कमरे में मेरे। आंटी ये झूठ बोल रहे हैं। बेटा आपको शर्म नहीं आ रही, आप किसी नामहरम के घर ऐसे मुंह उठा के आई हुई हो, ना उसके घर में कोई औरत है, अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। आजकल के हालात कितने खराब है, वैसे ही लड़कियों को मार मार के फेंक रहे हैं और आप इधर मेरे बेटे के सबूत। मुझे अपनी तरबियत पे यकीन है। मम्मी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मम्मी यही लेकर आई थी मम्मी, और आगे से अति करने की कोशिश कर रही थी मम्मी, मैं ऐसा नहीं हूँ मम्मी, आपको पता तो है। हाय अल्लाह, आजकल दी गसलां नू खड़े की हो गया। तू कितने घटिया इंसान हो, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो बेटा आपको शर्म नहीं आ रही, आप तो पढ़ी लिखी लग रही हो मुझे, वो तो है ही बदतमीज बारा। मम्मी मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ। मम्मी तेने शर्म नहीं आ रही, मैं दसा तेरे प्यो नू। मम्मी प्लीज ये बात पापा को ना बताना। मम्मी मम्मी ये लेकर आई मम्मी, इसने जादू टोना किया था मेरे ऊपर। आंटी ये झूठ बोल रहे हैं। आखिर में ना कोई लड़कों को बुरा नहीं कहता, हर कोई औरत को बुरा कहता है। तो बेटा आपकी भी माशरे में कोई इज्जत होगी, औरत हो आपके बाप की भी कोई इज्जत होगी, इस तरह किसी के घर आना अच्छी बात है? तुम बहुत झूठे इंसान हो, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हमारे गांव में अगर इस तरह लड़के लड़की को देख लेते ना, तो वैसे ही जान से मार देते। आजकल के तो हालात ही नहीं ठीक। मैनू फातिमा कहती भी सी मामा दाल दे विच काला है, मामा दाल दे विच काला है, मैं नहीं सुनी उस गरीबनी दी। सही खेल गया बैंच। बेटा ये क्या बदतमीजी है, आपसे 3 साल छोटा है आपके भाइयों की तरह, आपके माँ बाप ने आपकी ये तरबियत की है, इसलिए माँ बाप पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजते हैं कि लड़कों के घरों में आ जाओ। आंटी प्लीज मुझसे ऐसा आवाज में बात करें।
मेरा घर है, मैं जैसे मर्जी बात करूं। आपके बेटे में कोई हीरे नहीं लगे हुए, समझ आ गई है ना? बेटा उसके साथ घर में क्या लेने आई हो, हीरे नहीं लगे? प्लीज शट अप, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। व्हाट आई नो व्हाट इज इंग्लिश, ठीक है? इसको साथ पे लौट जाओ या फिर निकलो मेरे घर से। बदतमीज ना हो तो, लड़का देखा नहीं तो फंसा ले उसको। महंगा महंगा मेरा बेटा। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भूलदा, इश्क जीवंदा। अब बताइए ना जरा मुझे सारा वाकया, क्या हुआ था? मेरी कोई गलती नहीं थी मम्मी, वही लेकर आई थी मुझे। कह रही थी तुम्हारे घर चलते हैं, पार्टी करेंगे। ऐसे ही होता है बेटा, देखा है उसने बदतमीज ने कि लड़का छोटा है और थोड़ा प्यार है, चलो मैं सेट कर लेती हूँ। मैंने मना किया था, मेरी मम्मी ऐसी मारेगी। मेरा इकलौता ही बेटा है और उसको ही वो लेके जाने के चक्करों में थी लूमड़ी। लेकिन ये हरकत अच्छी नहीं है, तेरे बाप को पता चल जाता ना उसने तेरा मार मार के कीमा कर देना था। ये ना आज की मुशुकी ठीक नहीं है, मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि अभी तेरी पढ़ने की उम्र है, तू पढ़। चल ठीक है, आइंदा के बाद मैं तेरे में ये हरकत ना देखूं, लता पान देंगी तेरिया। बदतमीज, सही खेल गया बेंच। अच्छा हुआ मैं बच गया, आइंदा के बाद मेरे नाने दादे की तोबा, कभी भी प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़ूंगा। अगर मेरी मम्मी को पता चल जाता कि मैं लेकर आया हूँ उसको तो छित्तर पढ़ने थे छित्तर, हर चीज बंद हो जानी थी मेरी। आइंदा के बाद कभी लड़की के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन एक बात का दुख जरूर है, मेरा बचपन का प्यार नहीं मिला मुझे। खत्म हो गई है कहानी, चलो भागो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे बचपन का प्यार नहीं मिला, वैसे चाहिए भी किसको बचपन का प्यार। अब मैं सबको मोटिवेट करता हूँ कि कभी भी प्यार मोहब्बत में ना पड़ो, इसीलिए नहीं कि लड़की धोखेबाज निकलेगी, इसीलिए कि घर वाले नहीं मानेंगे।